अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको 12 वोल्ट के ऊपर चलने वाला सबमर्सिबल पंप के बारे में मालूमात देने वाले हैं। अक्सर लोग कमेंट करके हमसे ये पूछ रहे थे कि यार जो हमारा ज़मीनी वाटर लेवल है बहुत गहरा है, उसके लिए कोई इस तरह का मर्सिबल पंप आया हो जो कि 12 वोल्ट के ऊपर चलने वाला हो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ग्रेट चीज़ है। पूरी तफसील आपको हम बताने वाले हैं कि सबमर्सिबल पंप जो है ना कितना गहराई तक पानी उठाएगा और कितना ऊपर डिलीवरी करेगा। जी हाँ दोस्तों, और कितना सोलर पैनल पर ये चलेगा, और साथ ही हम इसकी आपको प्राइस भी बताने वाले कि ये कितना प्राइस पर आपको मिलेगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना इंतज़ार के हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अच्छा, अक्सर लोग जो है ना हम तो ये कमेंट के अंदर पूछते हैं कि भाई हमारा जो बोरिंग है वो 150 फुट तक है या 200 फुट तक है या 300 फुट तक है। भाई आपने इस बात को समझना है, बोरिंग तो आप चाहे 500 फुट तक ले जाएँ, असल होता है वाटर लेवल, कि आपका जो वाटर लेवल है ज़मीनी वाटर लेवल वो कितना है। बोरिंग की गहराई का मसला नहीं है, जो वाटर लेवल होता है उसके मुताबिक ये काम करता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कितना इंच वाले बोरिंग के अंदर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी तफसील आपको बताएंगे, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों अगर आपने सोलर पैनल पर इसको चलाना है तो सोलर पैनल पर अगर आप डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो 2 सोलर पैनल प्लेट लगाएं, यानी 150 वाली 2 सोलर पैनल प्लेट के ऊपर भी आप चला सकते हैं। अगर 1 सोलर पैनल प्लेट 150 वाट वाली और साथ ही एक बैटरी आप जो भी लगा लें, चाहे कार वाली बैटरी लगा लें या उससे भी बड़ी लगा लें, जो आप लगाना चाहें वो आपके ऊपर है। और इसी तरह अगर आप इसको बिजली के ऊपर चलाना चाहते हैं तो पावर सप्लाई के ऊपर भी चला सकते हैं, और वैसे तो एडेप्टर बने बनाए भी आ रहे हैं और एडेप्टर के ऊपर भी आप इसको चला सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये कितना गहराई तक यानी पानी उठा। वाटर लेवल अगर आपका 40 फुट तक है, 50 फुट तक है या 60 फुट तक है, इसी तरह 70 से 80 फुट तक जो है ना वाटर लेवल तक ये पानी इजीली तरीके से उठा सकता है। अगर हम डिलीवरी की बात करते हैं तो डिलीवरी दोस्तों ये दूसरी तीसरी मंजिल तक इजीली तरीके से पानी पहुँचा सकते। कनेक्शन आपने टैंकी के ऊपर से करना है, टैंकी के नीचे से इसका कनेक्शन नहीं करना, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इसी तरह मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, आपने इसके ऊपर जो तार लगानी है वो अच्छी क्वालिटी की कॉपर वाली तार लगानी है, मोटी तार होनी चाहिए, हल्की तार नहीं लगानी। जितना आप अच्छी तार लगाएंगे उतना आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कितना इंच वाले बोरिंग के अंदर काम करेगा, यानी कितना इंच वाले बोर के अंदर वर्क करता है। आपका बोरिंग जो है ये 4 इंच वाला बोरिंग होना चाहिए, और पाइप दोस्तों आपने PPRC वाला लगाना है, 32 mm वाला भी लगा सकते हैं और इसी तरह 25 mm वाला भी लगा सकते हैं। PPRC पाइप में जो है ना बहुत अच्छी मजबूती है और इसकी ज़्यादा लंबाई भी नहीं है, ये 1 फुट तक इसकी लंबाई है। इस सबमर्सिबल पंप के जो है ना जो लंबाई है टोटल लंबाई वो 1 फुट तक है। और प्राइस की अगर बात की जाए तो ये 8,000 रुपये तक इसकी प्राइस है, और स्टील केसिंग के अंदर बनाया गया है। वर्म इसके अंदर लगाई गई है दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वर्म लगाई गई है जो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट के साथ काम करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो हमारी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।